प्रमोद जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और आपको शुभकामनाएं हैं विधायक बनने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। प्रमोद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से पिछली बार भी विधायक बीजेपी का यहाँ से शहरी से रहा है और अब की बार आपको भारी मतों से जनता ने चुना है, तो क्या अब की बार जो आने वाला मंत्रिमंडल है उसमें आपको जगह मिल पाएगी? मुझे पार्टी ने पानीपत शहरी से अपना विधायक बनाया और जनता ने अपना आशीर्वाद देकर और कार्यकर्ता ने अपनी मेहनत करके पानीपत शहरी की सीट कमल का फूल खिला के माननीय मनोहर लाल जी को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाया है। इसके बाद विधायक बनने के बाद मंत्रिमंडल किसको मिलना है किसको नहीं मिलना है ये मेरा सोचने का विषय नहीं है। ये हमारी पार्टी के निर्णय होते हैं और उनके निर्णय हमेशा उत्तम निर्णय होते हैं। मैं विधायक हूँ, विधायक बन के पानीपत शहरी का दिन रात मेहनत करने का इरादा है और यही मन की इच्छा है। सर, जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में आपके लीडरशिप में चुनाव जीता गया और काफ़ी भारी बहुमत से सीटें निकली थी, लेकिन आपकी बार वैसे परिणाम नहीं आ पाए, कई विधानसभा गंवानी पड़ी, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा नहीं है, अब भी चुनाव जो है बहुत अच्छे हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो मतदान कम हुआ है। अब पानीपत शहरी की अगर आप बात करेंगे तो मुझे जितने वोट पोल हुए 2/3 से ज़्यादा मत हमें मिले, ये बहुत बड़ी जीत है। समस्या जो है वो पोलिंग कम की थी। पानीपत जैसे कि एक औद्योगिक नगरी है, टेक्सटाइल का हब है और ख़ास करके दशहरे और दिवाली के बीच के अंदर यहाँ हजारों हजारों व्यापारी हर रोज़ आते हैं। इतना बड़ा व्यापार है पानीपत का और हर दुकानदार उस दिन खुला हुआ था, दुकानें खुली हुई थी, व्यापार अपनी जगह, व्यापार करना है और उनके पास कर्मचारी हैं, हर दुकान पर 10 से 15 कर्मचारी हैं। तो एक ख़ास वजह है कि वर्किंग डे होने की वजह से, और सोमवार का दिन था, त्यौहार भी था उस दिन, महिलाएँ भी उसमें थोड़ा कम आई, तो इसके कई वजह है जिससे मतदान कम हुआ। नहीं तो हमारी जीत जो अब 40,000 वोट से हुई है पानीपत शहरी की, जब 55% पोल हुआ है, अगर ये पोल पिछली बार की तरह 70% हो जाता तो हमारा मार्जिन 75,000 वोट के लगभग होता। सर, पोल्यूशन के मामले में देखा जाए पानीपत में अव्वल नंबर पे है, गाजियाबाद के बाद दूसरे नंबर पे आया QI के हिसाब से। दूसरा देखा जाए तो यहाँ पे औद्योगिक प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद आप इस सपनों के पानीपत के बारे में क्या सोचते हैं आपने? अच्छा, ये मिसकंसेप्शन है हमेशा कि उद्योग होने की वजह से पोल्यूशन है। अगर मैं आपको असलियत बताऊं कि 4 दिन से दिवाली के जो कार्यक्रम चले, दिवाली पर 2 दिन बंद हुआ, उसके बाद विश्वकर्मा डे था, उसके बाद भैया दूज, 4 दिन सभी फैक्ट्रियां बंद थी और पोल्यूशन का लेवल बहुत हाई था। आज भी कोल इंडस्ट्री बेस्ड जितने भी बॉयलर सब बंद हैं, 1 तारीख को बंद हुए हैं, 5 तारीख तक बंद रहेंगे, उसके बावजूद लेवल बहुत हाई है। पोल्यूशन की वजह कभी भी एक फैक्टर नहीं रहा, इंडस्ट्री का हो सकता है कुछ परसेंट इंडस्ट्री का हो। आप देखिए ऑटोमोबाइल का बहुत बड़ा है, हम जो एयर कंडीशन चलाते हैं इसका भी पोल्यूशन है, पुरानी गाड़ियां हैं, 3-व्हीलर्स हैं, इतने फैक्ट पराली का इशू है, बहुत सारे इशू कंबाइंड होके इस पोल्यूशन को क्रिएट कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर को ख़राब कर रहे हैं। सभी पे ध्यान देने की बात है, इंडस्ट्री को भी अपना रोल अदा करना पड़ेगा, जो उनकी जिम्मेवारियाँ उनको निभानी पड़ेंगी, जो फ्यूल कहे गए वही फ्यूल उनको यूज़ करने पड़ेंगे। और इंडस्ट्री कर भी रही है, मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मेरे संपर्क में बहुत सारे सैकड़ों व्यापारी आ चुके हैं और हमने उनसे भी प्रार्थना की है कि आप जो नॉर्म्स हैं उसको फॉलो करिए और देयर फॉलोइंग। समस्या जो है कई कम्बिनेशन है, एक की वजह से पोल्यूशन नहीं है, हवा बिल्कुल नहीं चल रही है और एटमॉस्फेयर में बारिश की उम्मीद है कि बारिश अगर हो जाएगी उससे भी सेटल होगा। और ये समस्या हर साल ही इन दिनों में दिवाली के आसपास हमेशा ही आती है, फायर क्रैकर जो जलाई गई दिवाली पर कुछ एरिए में, हालांकि इस बार फायर क्रैकर्स बहुत कम थे लेकिन फिर भी जले, तो उसका भी जो पोल्यूशन है अभी वो सेटल नहीं हो पा रहा है, कई फैक्टर है। ड्राई हाउसेज के कारण सर जमीनी जो पानी है वो काफ़ी ख़राब हो चुका है पानीपत का, अगर चेक किया जाता है तो उसके बारे में आपका क्या सोचना है? क्या यमुना का पानी लाने का कभी आप विचार करेंगे? नहीं, यमुना का पानी तो पीने के लिए आना है, रेनी वाटर जो प्रोजेक्ट है वो पीने के पानी का है। डाई होस का ऑलरेडी प्रोजेक्ट ZLD का प्लान हुआ है, 29 सेक्टर बना दिया गया है, वहाँ सारे डाई होस वहाँ शिफ्ट कर चुके हैं, धीरे धीरे योजना अमल में आ रही है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अब जो बाकी थोड़ा सा काम इसके ऊपर बचा है वो बड़ी तेज़ी से किया जाएगा, ताकि हम
जल संरक्षण की तरफ आगे बढ़े। पानी बचाना ये हमारा धर्म है, पानी बचाएंगे तो जीवन है, नहीं तो आने वाली जनरेशन को हम क्या दे के जाएंगे। तो सभी लोग इसमें इंडस्ट्री सीरियसली काम कर रही है और सरकार जो भी नियम बना रही है उन पर सहयोग कर रहे हैं सब लोग। जिस प्रकार से पानी पर ट्रैफिक जैम का समस्या बहुत बहुत गंभीर समस्या है, तो इस समस्या के लिए कई सुझाव भी पिछली बार भी आए थे कि बीच रोड के ऊपर कट बनाए जाए करनाल की तरह पे, तो ये समस्या का कुछ समाधान हो सकता है, तो क्या आपकी योजना है अगली बार? आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि कल ही हमारी बैठक हुई थी जिसमें हमारे जो सांसद है संजय भाटिया जी उनकी अगुवाई में वो बैठक रखी गई थी। इसमें हमारी मेयर अवनीत कौर भी थी हमारे साथ और साथ में हमारे डिप्टी कमिश्नर सुमेधा कटारिया जी भी थे और प्रदेश से हमारे इंजीनियर इन चीफ, चीफ इंजीनियर, एलएनटी के अधिकारी और नेशनल हाईवे के अधिकारी सभी आए थे। हमने इनसे चारों बिंदुओं पर बात की है। सबसे पहले तो यह है कि जो कट खोले जाने हैं उसकी प्रपोजल हमने उनको दी है एंड दे आर वर्किंग ऑन दैट और हमें उम्मीद है कि 15 दिन के अंदर अंदर वो फाइनल ड्राफ्ट हमारे सामने लेके आएंगे जो उन्होंने टाइम मांगा हमारे से। इसी तरह से हमने एक और भी आइडिया उनको दिया कि ग्रिल को अगर पीछे किया जा सकता है तो ग्रिल को पीछे करके भी सड़क की चौड़ाई बढ़ जाएगी। इसी तरह इस फ्लाईओवर में स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग के अंदर बहुत प्रॉब्लम है, जैसे कोई भी सबवे नहीं है, पैदल यात्री के लिए सड़क क्रॉस करने का कोई साधन ही दिया गया, तो उसके लिए प्रावधान के लिए हमने उनको 5 जगह पे सबवे का प्रावधान किया है। और इसी तरह से जो एग्जिस्टिंग हाईवे है नीचे रोड है इसकी प्लानिंग बहुत गलत हुई है, कहीं पे रोड है कहीं पे ड्रेनेज है, उसके बाद इनर लेन है, उसके बाद फिर स्वेयर सिस्टम है, उसके बाद फुटपाथ है, इसको रीप्लान करना पड़ेगा। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है बट वी विल डू इट। इन सब एक्शन लेने से हम लोग यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या का बहुत हद तक हल कर लेंगे। एक चीज़ और भी है जो कल विशेष तौर पे उस मीटिंग के अंदर डिस्कस की गई थी और उसमें यह कि पानीपत का टोल हमारी समझ में कभी भी नहीं आया कि पानीपत के लोग ये टोल क्यों दें। दुनिया में कोई, संजय जी हमारे सांसदों ने कहा ये बात टीम को कि दुनिया में कोई भी ऐसा शहर उनको नहीं मिलता जहाँ के निवासी टोल तो यूज़ नहीं करते लेकिन टोल देते हैं, फ्लाईओवर यूज़ नहीं करते फिर भी टोल देते हैं। तो हमने उनको बड़ा क्लियरली अधिकारियों को कहा कि हम लोग टोल बंद करना चाहते हैं, जो टोल पानीपत के लिए उनके फ्री होना चाहिए, जो भी प्रावधान उन्होंने करना है। और मैं यकीन के साथ एक बात कह सकता हूँ, हमारे सांसद महोदय इसका काम बड़ी तेज़ी से करवा रहे हैं और बहुत जल्दी पानीपत के निवासियों को, पानीपत की रजिस्टर्ड गाड़ियों को टोल फ्री हो जाएगा, ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। जी सर, जिस प्रकार से पानीपत में क्राइम का ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है, सरेआम दिन दहाड़े यहाँ पे चोरियाँ होती हैं और काफ़ी लोग होती रही हैं और दूसरे भी अपराध हैं, तो आप इन पे कंट्रोल करने के लिए किस प्रकार से प्रशासन के कसें? ठीक है, अपराधी प्रवृत्ति जो है वो ख़त्म कभी भी नहीं होती है। इजी मनी की तरफ लोगों का अट्रैक्शन होता है और लोग अपराध की तरफ चले जाते हैं। डेफिनेटली ये चिंता का विषय है और हमारे एसपी साहब सुमित जी हैं, उनका ध्यान भी इस तरफ है, हमारे से भी उनकी चर्चा हर बार होती रहती है, जब भी कोई ध्यान में आता है केस तब भी होती है। और वैसे भी इस समाज के अंदर, पानीपत शहर के अंदर या पानीपत ग्रामीण भी, पूरे ज़िले की बात करें अगर हम, तो हमें बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ खड़ी कर रहे हैं और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आने वाले समय में देखिएगा इस तरह की घटनाएँ कम होती चली जाएंगी, बढ़ेंगी बिल्कुल भी नहीं। जी, आप तो पूरे ज़िले का एक अध्यक्ष के रूप में जो है काम करते रहे हैं, तो अब आप किस प्रकार से इसको एक अध्यक्ष के ज़िले के हिसाब से आप काम करेंगे या एक शहर के विधायक के रूप में? देखिए, ज़िले का जो काम है वो हमारे संगठन ने हमारे कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए धर्मेंद्र दत्ता जी को, जो पहले महामंत्री है, और अब ज़िले की जिम्मेवारी उनके ऊपर है। मेरे पास इस समय विधायक का पद है तो वो जिम्मेवारी मैं निभाऊंगा, पर हम टीम हैं मिलके काम करेंगे। तो विधायक के रूप में पानीपत को इस कार्यकाल के दौरान आप क्या विशेष देना चाहेंगे? आपने जो समस्याएं बताई हैं इनका निदान होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो ट्रैफिक की है, हेल्थ के बहुत इश्यूज हैं। बहुत अच्छा हॉस्पिटल हमारी सरकार ने पिछले 5 साल में पानीपत में एक बेहतरीन हॉस्पिटल बना के दिया है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। अब उसमें समय है जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे, वहाँ डॉक्टर्स की कमी है उसको ठीक करेंगे, लोगों तक जो सरकार की योजनाएं हैं, जैसे खास करके एक योजना की मैं बात करूं, आयुष्मान योजना जो है पानीपत के अंदर, बहुत सारे लोग अभी वंचित हैं, इनका कार्ड उनको नहीं मिला है जबकि उनकी कंफर्मेशन नेट के ऊपर है,
तो बहुत जल्दी उनको काट दिए जाएंगे, पेंशन की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व की जाएगी। एक स्लॉटर हाउस की बहुत बड़ी जरूरत है पानीपत शहर में, जगह जगह गली गली के अंदर एक तरह से जिसको कहते हैं छोटे बुचड़ खाने खुले हुए हैं जो उचित नहीं है। स्लॉटर हाउस का यहाँ पर प्रावधान किया जाएगा। इसी तरह से और भी जितने काम हैं जैसे डायरीज का एक बहुत बड़ा मसला है, जो सीवरेज हमारे बंद हैं वो डायरीज का जो काउडंक है वो उससे प्रॉब्लम है, तो उसका भी समाधान करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से बिजली बोर्ड के अंदर लोग बहुत परेशान हैं, वहाँ से बिलिंग के सिस्टम में शायद कुछ प्रॉब्लम है, जो आउटसोर्स किया हुआ है कंपनी को वहाँ शायद कुछ प्रॉब्लम है, तो उसकी तरफ भी ध्यान देंगे। जो लोग समाज की समस्या लेके आएंगे उसका निदान करके देंगे, उनको उनकी बात को सुनेंगे, समझेंगे और उस पर एक्शन लेंगे। जिस प्रकार से सर आज एक एसोसिएशन के लोग भी आपसे मिले, स्कूल एसोसिएशन के लोग मिले आपसे, और कई स्कूलों की मान्यताएं नहीं है उसके बावजूद वो स्कूल चल रहे हैं, तो आपकी सरकार कैसा निर्णय लेने वाली है उन बच्चों का भविष्य पे? क्या नहीं अभी नहीं ऐसा नहीं है, अभी तो उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन दिया है, मुझको उसकी प्रेजेंटेशन को समझना है और जो उसमें उचित होगा ऊपर हम अपने मंत्रिमंडल जब गठित हो जाएगा पूर्ण रूप से तो उसमें बताएंगे उनको जो उसमें उचित बात होगी, और उनकी उचित डिमांड तो मानी भी जाएगी। कहीं ना कहीं स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन को, स्कूल के जो अधिकारी हैं या ओनर्स हैं उनको भी सरकार की बात को समझना पड़ेगा। जो कानून बनाए जाते हैं बहुत सोच समझ के बनाए जाते हैं और उनका पालन उनको भी करना पड़ेगा, लेकिन अगर कहीं हमारे से त्रुटि रह जाती है तो उसको ठीक भी करवाएंगे। जी, पानीपत की जनता को आप नई सरकार और नए विधायक के साथ इस प्रकार से क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरी तो जनता से एक ही अपील है कि वो आपस में सद्भावना बनाए रखें। चुनावी समय होता है, 10-15 दिन का समय होता है, और हम पानीपत की एक खूबसूरती मैं आपको बताता हूँ, पानीपत में चुनावी समय में भी कभी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई और उसके बाद तो हम समाज इकट्ठा होकर ही चलते हैं। हम लोगों इसको पानीपत को मेरे को बहुत सुंदर बनाने की मेरे को एक इच्छा है, लगन के साथ काम करूँगा, जिद के साथ काम करूँगा। मेरे को पानीपत को इंदौर के लेवल पर लेके जाना है और इंदौर बना के दिखाना है। जब वो लोग ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? इस जिद के साथ, इस लगन के साथ मैं सबसे अपेक्षा करूँगा कि मेरा सहयोग करें, एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग करें, मेयर का, पार्षदों का, नगर निगम का सहयोग करें, ताकि हम पानीपत को वाकई एक नंबर का स्वच्छ शहर पूरे हिंदुस्तान में लाके ट्रॉफी 2 साल के अंदर अंदर वो ट्रॉफी पानीपत को लेके आए। ये मेरा एक ध्येय है कि मैंने इसको पूरा करना है।